शक्ति समाधि वैराग्य आध्यात्मिक मार्ग आदि उचित है या अनुचित है आपका निर्णय क्या रहता है? यानी मुक्ति समाधि वैराग्य आध्यात्मिकता आदि, हाँ आदि, ये उचित है अनुचित? हाँ, ये जो विषय है, ये जो अर्थ है, ये उचित है या अनुचित है, ऐसा करने योग्य है या व्यर्थ है, विकल्प है, स्वैच्छिक है, क्या इस विषय में लगता है या क्या निर्णय है आपका? वो श्लोक पढ़ते हैं क्या आप? ना लोको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्, वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे, मेघस्य किं दूषणम्। अंधे को यदि दिखाई नहीं देता है तो सूर्य का इसमें दोष है या नहीं है? अंधे को क्या अधिकार है ये कहने का कि सूर्य से कोई प्रकाश नहीं होता निकलता है या नहीं होता है? गुलाब के या अन्य किसी फूल में, गेंदे में कोई रंग नहीं होता है किसी अंधे के कहने से, ये उचित हो सकता है कि नहीं? वर्षा नैव पतन्ति चातक मुखे, मेघस्य किं दूषणम्। वर्षा यदि चातक के मुख में नहीं गिरती है तो इसमें बादल का दोष है क्या? चातक एक पक्षी होता है, वो जब सोता है ना तो उस चारों दो पैर उसके होते हैं, दोनों ऊपर उठा के सोता है, उसको लगता है कभी बादल गिर गया तो क्या होगा। और दूसरी बात आती है कि वो हर समय, यानी साल भर वो पानी नहीं पीता है, केवल वर्षा के एक दिन की प्रतीक्षा करता है वो, और उसके मुख में अगर एक बूंद गिर जाए तो सालों भर के लिए तृप्त हो जाता है। अब ये कथा है वैसे, नहीं तो ये तो रोज चिल्लाता रहता है ना, कोयल से मिलती जुलती एक आवाज़ आती है, वो पपीहा है ना, वही चातक है। कोयल से मिलती जुलती एक आती ना, एक में चीख सी आवाज़ आती है, कोयल वाले में तो मधुरता होती है, उसके में टीस होती है, थोड़ा कर्कशा होता है, बहुत मिलती जुलती है आवाज़, लेकिन एक में कर्कशता होती है, हाँ छोटा सा होता है, प्रातःकाल बोलता है वो भी, तो उसको चातक पपीहा, चातक बोलते हैं वैसे, पपीहा भी कहते हैं उसको, पी यू करता रहता है वो। स्वाति या किस नक्षत्र में, उनके बूंद के लिए प्रतीक्षा करता रहता है। हाँ ये वो भी है, तो इसके लिए नहीं कहा, ये तृषित रहता है पानी के लिए, पर वो बादल नहीं गिराता है उसमें मुख में, पानी नहीं गिरता है, मर जाएगा और क्या। तो अब इसमें है कि बादल के क्या दोष है, और ऐसे ही अंधे को अगर नहीं दिखाई देता है तो उसमें सूरज का क्या दोष है, और पत्रम नैव यदि शिरीष बिटपे दोषो वसंतस्य के, शिरीष के वृक्ष में बसंत के समय में पत्ते नहीं होते, बाकी सबके पत्ते आए हुए रहते हैं या आते हैं, तो इसलिए बात यहीं पर है। वस्तुतः यहाँ अर्थ जो है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उस कारण से वो अर्थ अनर्थ है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो चित्त के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए, हिम्मत होती है,
तो इसका क्या अर्थ होगा फिर? उचित भी मान रहे हैं लेकिन पीछे नहीं पड़ना है, ऐसा करते हैं क्या उचित के लिए? जिसको मानते भी है कि बहुत श्रेष्ठ है, प्राप्य है, फिर भी अपना छोड़े रखते हैं, ऐसे क्या करते हैं कभी? या किसको छोड़े रखते हैं? किसके प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं? किसका अनादर करते हैं? किसको नहीं पास में आने देते हैं? किसके नहीं पास में जाना चाहते हैं? दूरी किससे रखते हैं? ये मुक्ति समाधि पर ये लगता है कि नहीं अपना? इस पर प्रश्न है कि ऐसा क्यों करते? उचित भी मानते हैं, कभी अनुचित मान लेते हैं, उचित को अनुचित मान लेते हैं, अनुचित को उचित मान लेते हैं, जो चाहे कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें मुख्य कारण है जीवात्मा या हम जो हैं अपने ज्ञान के अनुसार ही प्रवृत्त होते हैं। जैसा हमको ज्ञान लगता है उससे विपरीत व्यवहार हम नहीं कर पाते। अनुचित ज्ञान यदि हो गया, निर्णित हो गया, तो हम करेंगे, चाहे हमारे में बल है नहीं है, जो भी है विरोध करेंगे। इतनी स्वतंत्रता अपने पास होती है, हम हाँ ना कर सकते हैं हर परिस्थिति में। ढीठ भी कह सकते हैं, हम ढीठ भी हैं, या तो मना कर देते हैं एकदम से, या निर्लज भी कह सकते हैं, या फिर मूर्ख भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, होता है ये सब। ऐसा लगता है कि स्वतंत्र है, मेरी मर्जी है। हाँ, मूल कारण यही होता है, यानी अपने अधीन है ये, मानकर मना कर देते, इस कारण से मना करते, अन्यथा नहीं कर सकते ऐसा। वो तो माध्यम केवल होता है स्थिति का, लेकिन निर्णय अपने हाथ में होता है, वो नहीं छोड़ते है ना। लेकिन उसके बाद निर्णय फिर लेते हैं ना, वो तो दिखना तो हुआ, ज्ञान तो होता है, जैसा भी होता है हो जाता है, उसके बाद भी अपने हाथ में है, वो निर्णय हम लेने में बाध्य नहीं होते। भले जैसा ज्ञान होता है उसके आधार पर ही लेते हैं, लेकिन लेते हम हैं, वो स्वतंत्रता अपने पास रहती है। इस कारण से ये विचित्रता हमारे व्यवहार में होती है, जब भी चाहो बदल जाते हैं, बस ठीक से गलत में, गलत से ठीक में चले जाते हैं। हमारे ऊपर ऐसा प्रतिबंध नहीं है, एक तरफ रहेंगे ही, ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है हमारे साथ, बदल जाते, बदल सकते हैं। तो मूल कारण यानी इस प्रकार से कि हम यानी बिना, वो कहते हैं बिना पेंदे के लोटा, किधर भी उलट सकते हैं, कोई ठिकाना अपना नहीं है, अपना कोई आधार है ही नहीं एक कि नहीं बदलेंगे, कहीं भी बदल सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो व्यवहार में भी ऐसे ही करते हैं, चोर बेईमान सब बनते रहते हैं, धर्मात्मा भी बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, घूम घाम करके सब कर लेते हैं, 70 बिल्ली खा के हज पर चले जाते हैं, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जाती है, 900 चूहे, यानी
दान भी दे देते हैं और डाका भी डाल देते हैं, दोनों काम कर देते हैं। तो ये इसीलिए कर देते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं करते कभी। ईश्वर को नहीं है अधिकार दो तरफा जाने का, वो नहीं बदल सकते। तब एतत् सत्यम अंगीरा, ईश्वर के विधान तो सुनिश्चित है, वो करवट नहीं ले सकते। जैसे पड़े पड़े रहेंगे बस, लटपुलट नहीं होता है ईश्वर में। या तो ईश्वर को अधिकार नहीं है या ईश्वर में सामर्थ्य नहीं है बदलने का। हम विपरीत हैं ईश्वर से, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, इतनी छोटे हमारे पास। किंतु ये हमारे लिए साधक भी और बाधक भी होगी स्थिति। गाड़ी का वो होते हैं घुमाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, अगर वो पूरा ना घूमे, दोनों तरफ नहीं घूमे तो क्या होगा, वो गाड़ी टक्कर खा सकती है फिर। लेकिन वो पूरा घूमने का होता है, किधर भी घुमा लो उसको। तो उसमें खतरा भी रहता है और सरलता भी रहती है। रास्ता भटक गए तो ला भी सकते हैं उसको, ठीक रास्ते पे चल भी सकते हैं। तो इसलिए अपना जो स्वभाव है वो अस्थिर है। स्थिर स्वभाव के हम नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है। अब पहले तो एक उचित पक्ष का निर्धारण करना कठिन होता है, जटिल रहता है, और उसके बाद उस पर चलना और भी जटिल हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ खड़ी होने वाली नहीं है उसको खड़ा रखना है। जो लाठी होता है ना, इसको खड़ा रखना है तो वो अपने आप तो रहेगी नहीं, खड़ी हो तो गिरने वाली चीज़ है, खड़ी नहीं हो सकती। अब जब उसको खड़ा रखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हर समय उसको अब चाहिए सब सही हो, तभी खड़ी रहेगी, नहीं तो नाटी खड़ी नहीं रहेगी। ऐसे ही अब हमको जब दोनों पक्ष है हमारे लिए, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो अब परिश्रम पूर्व यानी पुरुषार्थ पूर्वक उसका चयन करना ही पड़ेगा। बिना चुने उसको निर्धारित किए बिना आप एक मार्ग में आ ही नहीं सकते। इस कारण से पहले ये कष्ट साध्य हो जाता है कि हम अपने उचित, जो हमारे लिए उचित है, उसका चयन करें। चयन करना अनिवार्य रहेगा, नहीं करेंगे तो लुढ़कते ही रहेंगे, फिर इधर से इधर इधर से इधर होते ही रह जाएंगे और कोई परिणाम नहीं आएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि हमको अब उचित को निर्णित करना ही पड़ेगा, और फिर उसके बाद है कि बदलने की भी स्थितियां स्वाभाविक है, इसलिए उसको पकड़ के भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक संकल्प कर लिया, एक योजना बना ली तो अब बस हो गया, वो रह ही जाएगी, ऐसी संभावना नहीं हो सकती है। बन करके भी टूटेगी। इस कारण से हमारे जो संकल्प होते हैं वो टूटते बनते ही रहते हैं। कितना ही बड़ा संकल्प, कैसा भी संकल्प ले लिया हो, लेकिन निश्चिंत नहीं हो सकते कि हमने तो ले लिया है। वो कभी भी जा सकता है, छोड़ सकते हैं, बदल सकता है संकल्प, टूट सकता है, क्योंकि हमारे साथ उसका नियत नित्य संबंध नहीं है, वो नैमित्तिक है, वो बनाया हुआ है। बनाई हुई चीज़ तो गिरेगी, अगर उसको नहीं संभालेंगे तो छूटेगी जाएगी।
इस कारण से पहले तो हमारे उद्देश्य ही नहीं होते निर्धारित, मार्ग का ही चयन नहीं हो पाता है और चयन करने के बाद भी छोड़ देते हैं, अब तो क्या होगा। लेकिन कालांतर में प्रमाद आते आते फिर से हम भटक जाते हैं। बहुत मुश्किल से तो हम घर से निकलते हैं, कितना सिर मारते मारते एक होता है निर्णय कि चलो अब तो चलते हैं। फिर यहाँ आके एक फोन आया और ठीक है आ रहा हूँ, बस 3 दिन में ही हो जाता है। 30 दिन तक सोचा उसको, अब कुछ नहीं बदलने होगा, बस अब तो जो होगा सो होगा, चल दिए। आने के बाद फिर क्या हुआ, जैसे आया कि फ़ोन ये हुआ है, ठीक है आ ही रहा हूँ, तो एकदम बदल जाता है वो, और पता भी नहीं लगता ऐसा कैसे हो गया। 6 महीने साल भर की योजना 1 दिन में 1 मिनट में गायब हो जाती है। ऐसे ही आगे के भी संकल्प रहते हैं, आगे हमको ईश्वर प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, संकल्प करते हैं लेकिन फिर लगता है कि दर्शन पढ़ने में 5 साल लग जाएंगे। वो 5 साल में वो फिर खामखा, इतना बड़ी विपत्ति कौन लेगा, ये तो चलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं, रहने दो। तो फिर उसके बाद आ गया कि अभी तो व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, अभी भी काम नहीं हुआ है, तो 7-6 साल तो इसमें ही लग जाएंगे, फिर कहाँ से चुट चुट करेंगे जा कर के। ईश्वर तो एक तरफ ही रह जाता है, छोड़ो, इससे अच्छा तो अपना पोटली बांधो, कोई वैद्यक सीख लो, प्रचार कर लो, वो सब काम सरल है, वही कर लो, अपना राष्ट्र उद्धार में लग जाओ, फिर ये रह जाता है। ऐसे पता नहीं कितनी स्थितियां आती है जिनके कारण से वो बना संकल्प, और इसका कोई वो नहीं है संबंध, संकल्प था कि ये करना है, ये उसके साधन होते हैं, लेकिन वो चिरकालिक होते हैं साधनों का संग्रह। संकल्प तो हो जाता है लेकिन फिर उसको पूरा करने के जो साधन होते हैं, यानी उसको टिकाए रखने के लिए, लाठी को खड़ा रखना है तो उतना गड्ढा खोदना पड़ेगा, उतनी मिट्टी उसमें जमानी पड़ेगी, तब जा कर के वो खड़ा रहेगा, ऐसे तो रहेगा नहीं। इसलिए वो अतिरिक्त होता है, अब जितनी बड़ी लाठी है उतने से तो काम चलता नहीं, कई गुना रखना होता है, उसके आधार जो बनाने पड़ते हैं, दीवार इतनी खड़ी करनी है तो 6 फीट नीचे तो इसको अंतर डालना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगी दीवार, ये तो वो अतिरिक्त है। ऐसे ही यहाँ भी अतिरिक्त पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं केवल उसके साधन मात्र से नहीं होती सिद्धि, उसके साथ साथ भी कुछ करने पड़ते हैं अलग से, जो कि उसको टिका करके रखता है। ऐसे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सामने जो विपरीत स्थितियां भी रहती है, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, करते करते अब समाज में कोई झगड़ा हो गया, दो संप्रदाय हैं वो आपस में उलझ गए जा कर के, या और कोई भूकंप आ गया, और कुछ आ गई, तो दूसरी विपत्ति होती है साथ में, वो आ जाती है। कभी मान लो दुर्घटना हो गई, दूसरे भी रोग आ गया, अब इनका क्या होता है कि सीधे सीधे उसमें संबंध होता नहीं है लेकिन बाधक तो है ही है। अब इस कारण से फिर क्या होगा, वो जाएगा, बना हुआ संकल्प होता है नष्ट होने के, पता नहीं कितने सारे कारण होते हैं, और कोई छोटा सा भी कारण उसको बिगाड़ देता है। लेकिन चलने के लिए, आगे चलने के लिए सारे चाहिए, मान
लो ये गाड़ी है, उसको चलने के लिए एक टायर भी खराब हो जाए तो बंद हो जाएगी, उसके तेल का एक छोटा सा पाइप भी फट जाए टूट जाए पूरी गाड़ी बंद रहेगी। कोई भी एक पुर्जे के अभाव में गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन चलने के लिए कितने सारे चाहिए। तो ऐसे ही खड़ा करने के लिए, किसी के निर्माण के लिए हर समय अनेक साधन चाहिए, रोकने के लिए कोई एक पर्याप्त होता है, उसमें थोड़े से अभाव से भी वो रुक जाता है। ऐसे ही यहाँ भी वो आध्यात्मिकता का निर्माण करने के लिए भी अनेक ज्ञानों का संग्रह आवश्यक हो जाता है, रुकने के लिए कोई भी बाधा पर्याप्त है। यहाँ रोग भी रोक सकता है, दूसरे के प्रवचन भी रोक सकते हैं, मान्यताओं में कुछ अंतर आ गया वो रोक सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आ सकती है और रोक दे, इसको रोक देती है। ये सब इसीलिए होता है कि हमारा कोई स्थिर नहीं है, इसमें नियत संबंध नहीं है, इसलिए उतने अधिक सावधान भी रहने पड़ेंगे। जब तक हम अपने प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, लक्ष्य के साथ हमारा संबंध नहीं हो जाता है, तब तक निरंतर पुरुषार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता है, कोई छूट नहीं हो सकती है, वो करते ही रहना होगा, संघर्ष की स्थितियां बने ही रहेगी। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, संघर्ष रहेंगे ही रहेंगे, शांति नहीं हो सकती है, उसके संघर्षों के स्तर भी बदलते रहते हैं, अलग अलग होते रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे के जो शत्रु होते हैं बालक ही होते हैं, और बड़ा होता है तो बड़े वाले हो जाते हैं, जवान होते हैं तो उसके शत्रु जवान हो जाते हैं, ऐसे कोई सामाजिक कार्य करता है तो समाज वाले हो जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर का हुआ तो दूसरा देश हो जाता है उसका, यानी उसके विरोधी भी उसी स्तर के आ जाते हैं, फिर बदलते जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ जो होता है, संघर्ष जो होता है, वो उतने ही रह जाता बचता है। किसी भी स्तर में व्यक्ति चला जाए, संघर्ष का जो वो स्तर होता है यानी अवकाश होता है, वो कम नहीं होता है, वो उतना ही चलता रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में आने पर ठीक है, बहुत सारी बाधक जो लौकिक बाधाएं होती है वो नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ नई बाधाएं उत्पन्न होती है, राग के हैं, द्वेष के हैं, काम क्रोध के हैं, ये सब फिर उभरने लगते हैं आगे आ करके। साधनों से लड़ते लड़ते इधर तो हो गया, लेकिन अब ये फिर आने लगते हैं सामने, ऐसे फिर संघर्ष बढ़ जाता है। चलते चलते अब साधन के अभाव हो जाते हैं, ज्ञान भी ज्ञान इतना नहीं होता है, उल्टा पुल्टा भी अभ्यास कर लेते हैं, उससे भी हानि हो जाती है। ऐसे अनेक परिस्थितियां आती रहेगी इसमें, और ये सारी की सारी क्या है, स्वाभाविक है, उसी हेतु से कि हमारे साथ इनका नित्य संबंध नहीं है, सारे संबंध हमारे नैमित्तिक हैं, इसलिए इनको बचाए रखने के लिए करना ही पड़ेगा। अपने होते नियत होते तो एक बार आगे फिर जाते नहीं है, फिर चिंता नहीं रहती कि अब तो आएगी अब क्या होगा, लेकिन होने के बाद भी चिंता रहती है इसमें, क्योंकि वो अपने नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, इसलिए इनको संग्रह करने में भी कष्ट रहेगा और कर लेने के बाद इसको इकट्ठा रखने में भी कष्ट होगा। यानी कि पहले तो क्या है वो अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आए दुखम बे दुखम धिक अर्थान कष्ट संश्रयाम। पहले तो अर्थ प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्त करने में दुख होता है उसको,
फिर प्राप्त हो गया तब उसकी रक्षा करने में दुख होता है। इस प्रकार से उसके अब खर्च होने में भी कठिन कष्ट होता है, कहाँ करें नहीं करें, इसलिए उसे कहा है कि ये धिक्कार है अर्थ को, ये पूरा का पूरा कष्ट का आश्रय होता है। तो जितने भी हमारे प्रयोजन हैं, जिस प्रकार के भी प्रयोजन हैं, सारे के सारे सभी ऐसे ही कष्टपूर्ण ही होते हैं, दुखद ही होते हैं। इस कारण से अंतिम स्थिति जब तक नहीं उपलब्ध हो जाएगी तब तक ये संघर्ष की चिंता की स्थिति रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर घबरा करके छोड़ दें, छोड़ देने से भी हो जाएगा सरल, ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्वभाव को जान करके पुरुषार्थ के लिए हर्ष में तत्पर रहना चाहिए, ये भी एक स्वभाव ही है और वो होगा क्योंकि हमारी सामर्थ्य इतनी रहती है, इतना हम पकड़ करके रख सकते हैं, वो भी अपने सामर्थ्य के अंतर्गत ही है, क्योंकि इसको पकड़े पकड़े हम वहाँ पहुँचते हैं और सफलता तो मिलती है, ऐसा तो है ही नहीं। सफल नहीं होता हो कोई ऐसा नहीं है, सफलता भी मिलती है। तो इससे निकलता है कि सामर्थ्य है तभी तो, अगर असमर्थ होते तो इकट्ठा रख नहीं पाते साधनों को, और बिना साधनों के नहीं होते सफल। पर सफलता होती है इसी से सिद्ध होता है कि सामर्थ्य भी होती है। इसलिए संघर्ष की जो स्थिति होती है वो भयावह भी नहीं है, वो निराशा भयानक भी नहीं है, निराशा के योग्य भी नहीं है, अपने अंदर उतनी सामर्थ्य होती ही है, इसलिए उसका उपयोग करते रहना चाहिए। तो इस रूप में आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए।